नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बेहतर चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं, मतलब हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान की किताब का अध्याय 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं रीजनल एस्पिरेशंस बेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर और इस चैप्टर के साथ आपको बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बड़ा टॉपिक इस चैप्टर में हम कवर करने जाएंगे वो है जम्मू कश्मीर का मुद्दा। हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 370 की, हम चर्चा करेंगे 35A की, क्या है ये मुद्दे। इस चैप्टर में बड़ा ही विस्तार से विस्तृत उनको जानेंगे, परंतु आज है हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 1 में एक परंपरा हम निभाते हैं वो है कि भैया हम चैप्टर फ्लो को जानते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है वो तो देखो, अभी मैं आपको पहला पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा ही कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली हम लोग क्या पढ़ेंगे और लिंक करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के नाम को और जो हम लोग पढ़ेंगे उसको। हम पढ़ेंगे क्षेत्र और राष्ट्र, हम रीजन और नेशन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर, ठीक है ना, फिर हम बात करेंगे पंजाब की, फिर बात करेंगे पूर्व उत्तर नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनकी, फिर समाहा और राष्ट्रीय अखंडता की, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता, हमारी राष्ट्रीय अखंडता हमेशा बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पर आज के लेक्चर में क्या है, आज के लेक्चर में परिचय, इंट्रोडक्शन इस अध्याय का, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, ठीक है। फिर बात करेंगे क्षेत्र और राष्ट्र के टॉपिक की, फिर बात करेंगे भारत सरकार का नजरिया क्या है, ठीक है, फिर तनाव के दायरे। देखिए, आपने स्टार्टिंग का जो पहला चैप्टर पढ़ा था आपको शायद याद होना चाहिए, वहाँ पर भी देसी रियासतों को जोड़ने के लिए भारत सरकार का नज़रिया एक टॉपिक हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट्स अप्रोच। आज भी वो टॉपिक पढ़ेंगे क्या है ये, और फिर तनाव के दायरे कहाँ कहाँ तनाव हुआ ये सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को और आज के इस लेक्चर को। बच्चों देखिए, ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक बहुत कुछ इस चैप्टर को हम लोग जानेंगे, बहुत कुछ हम लोग इसको समझेंगे सीखेंगे। परंतु पहले थोड़ा सा हम अभी तक का जो इतिहास है या अभी तक की जो बात हम लोग पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। हमने देखिए, अभी तक अगर हम बात करें तो हमने 1947 से लेकर करके 1980 तक के दौर को कवर कर लिया है, 1947 से 1980 तक के दौर को कवर कर लिया। इस किताब को मैं कह सकता हूँ, आराम से कह सकता हूँ, मैं इस किताब को 3 भागों में विभाजित कर सकता हूँ। एक 1947 से 80 का दौर है, एक 1980 से 90 का दौर है और एक 90 से आगे का दौर है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। पहले इस 1947 से 1980 वाले दौर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या कवर करा वो देखते हैं। सबसे पहले हमने बात करी 3 चैलेंजेस की, या मैं कहूँ जो 3 चुनौती है, उन 3 चुनौतियों की बात करी। वो 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी थी बेटा, 3 चुनौतियाँ थी एलोवेरा, एलोवेरा मतलब एकता, लोकतंत्र और विकास, ये 3 चुनौतियों की हमने चर्चा करी शुरुआत के 3 अध्याय में बड़े विस्तार से और विस्तृत रूप। इन 3 चुनौतियों का सामना हम लोगों ने कर लिया। इन 3 चुनौतियों के बाद हम लोगों ने बात करी विदेशी संबंध की, कि भारत के जो विदेशी संबंध है वो विदेशी संबंध कैसे होने चाहिए, जो फॉरेन रिलेशंस भारत के हैं वो फॉरेन रिलेशंस कैसे होने चाहिए। ये विदेशी संबंध जवाहरलाल नेहरू के समय कैसे थे, इंदिरा गांधी जी के समय कैसे थे, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय कैसे थे, इन सब के समय के हमने विदेशी संबंधों की चर्चा करी। अफ्रीका के साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं, अमेरिका के साथ कैसे हैं, सोवियत संघ के साथ कैसे हैं, इन रिश्तों की चर्चा हम लोगों ने करी। उसके बाद हमने बात करी राजनीतिक दौर की, या पॉलिटिकल जो एरा है उसकी। राजनीतिक दौर में जो हम लोगों ने चर्चा करी वो किसकी करी, नेहरू जी की चर्चा करी, जवाहरलाल नेहरू जी, नेहरू जी के बाद शास्त्री जी, शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी, इंदिरा जी और फिर मोरारजी देसाई जी, इन सब की 1980 तक हम लोग बातचीत करके आ चुके हैं, ठीक है। और फिर एक जो बड़ा मुद्दा हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा वो था हमारा लोकतांत्रिक संकट का, लोकतांत्रिक संकट। तो 1947 के से लेकर के 80 तक, मतलब मैं कहूं चैप्टर 6 तक, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने 3 चुनौतियां पढ़ी, ठीक है, एकता, लोकतंत्र, विकास की 3 चुनौतियां पढ़ी। उसके बाद भारत के विदेशी संबंधों पर चर्चा करी, क्यों हम सोवियत संघ की तरफ झुकाव रखा, क्यों नहीं रखा, भारत की क्या योजनाएं रही, अमेरिका से कब हमारा मिठास बढ़ी, कब थोड़ी सी अमेरिका के साथ तूतुमें हुई, ये सब कुछ। फिर उसके बाद हमने राजनेताओं के बारे में, उनके पॉलिटिकल एरा के बारे में पढ़ा, नेहरू जी की बात करी, लाल बहादुर शास्त्री की बात करी, इंदिरा गांधी जी की बात करी और राजी देसाई जी की बात करी। फिर हमने लोकतांत्रिक संकट या आपातकाल के संकट की बात हम लोगों ने करी। अब उसके बाद फिर जो दौर आता है 1980 के बाद की बात हम करेंगे, 1980 से 90 का दौर है।
1980 से 1990 का टाइम। बेटा दशक का मतलब आप लोगों को पता है, दशक का मतलब इंग्लिश में डिकेड होता है और एक दशक में 10 साल होते हैं, ठीक है। तो 1980 का दशक मतलब 1980 से लेकर 90 तक वाला जो टाइम पीरियड है उसकी। इस 1980 से 90 के दशक में हमें दो बातों का मुख्य गौर करना होता है। एक हम यहाँ पे बात करते हैं सामाजिक आकांक्षाओं की, एक हम यहाँ पे बात करते हैं सामाजिक आकांक्षाएं, और एक हम बात करेंगे क्षेत्रीय आकांक्षा। एक सामाजिक आकांक्षा और एक क्षेत्रीय आकांक्षा। अब ये क्या है इसको समझिए। देखिए सामाजिक आकांक्षा या क्षेत्रीय आकांक्षा, सामाजिक आकांक्षा। अब आप सभी को पता है कि भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ पे भारत में बहुत सी भाषा, बहुत से धर्म, बहुत सी जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास समाज है। अब इसमें कुछ ऐसे समाज है जो कि दबे हुए रहे, शोषित रहे, वंचित रहे। तो इन लोगों ने 1980 के दौर में इन लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आती है, इन लोगों में जागरूकता आती है, और जागरूक होकर के ये सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करते हैं, ये अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करते हैं और सरकार से मांग करना शुरू करते हैं कि साहब आप हमें अधिकार दीजिए, आप हमारे शोषण को, आप हमारे अत्याचारों को खत्म करिए। ये जो कहानी पढ़नी होती है ये चैप्टर 7 में पढ़नी होती थी, जो कि जिस चैप्टर का नाम था जन आंदोलन, ठीक है, पॉपुलर मूवमेंट्स कहा गया था। उस चैप्टर 7 में हम लोगों ने क्या पढ़ते थे, हम उस चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ते थे कि हम इसमें दलितों का जो आंदोलन है हम उसकी बात कर रहे थे, दलित पिछड़े वर्ग के आंदोलन की हमने बात करी है, वैसे ये अब हटा दिया है एनसीईआरटी ने 23-24 में, ठीक है। किसानों की हम लोगों ने बात करी, महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व बढ़ता था, महिलाओं की जो बात है, दाढ़ी विरोधी आंदोलन है उसकी यहाँ पे बात करी जाती है, ठीक है। यहाँ पे पर्यावरण को भी ध्यान में रखा गया, चिपको आंदोलन की इस चैप्टर में बात करी गई, ऐसे जो आंदोलन है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। ये हमने चैप्टर 7 जो कि पहले हुआ करता था, और जो चैप्टर क्षेत्रीय आकांक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं ये पहले चैप्टर 8 हुआ करता था। चैप्टर 7 को सरकार ने हटा दिया, या हम कहें एनसीईआरटी ने हटा दिया है। उस चैप्टर 7 में हम ये चीज़ें पढ़ा करते थे कि भाई किस प्रकार से दलितों का राइज हुआ, किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई, भारतीय किसान यूनियन की यहाँ पर बात करी जाती, ताड़ी विरोधी आंदोलन, शराबबंदी को लेकर करके आंध्र प्रदेश में और दक्षिण भारत में चला एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसका नेतृत्व महिलाएं कर रही थी कि हमारे एरियाज में, हमारे गाँव में क्या शराब की बंदी होनी चाहिए, क्योंकि शराब से एक शरीर पर तो नुकसान है ही पुरुष के, उसके साथ साथ महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक जिंदगी भी खराब होती थी। कैसे खराब होती थी, क्योंकि पुरुष पीकर के आता था घर पे और वो लड़ता झगड़ता था, ठीक है, और पीने के बाद आप लोगों को पता ही है, आस पड़ोस में कभी तो देखा ही होगा, पीने के बाद व्यक्ति का जो ज्ञान का स्तर है वो ऊंचे लेवल पर पहुंच जाता है। जिसको कुछ ही नहीं आता वो उसको बहुत कुछ आता है, और वो बस पीने के बाद वो सब कुछ बता सकता है जो कोई नहीं बता सकता। तो ये मजाक की बात एक अलग है, बाकी बहुत बुरा जो असर है उस बात को हम लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना होगा। दलित, किसान, ताड़ी विरोधी, चिपको आंदोलन, इस बात का हमें बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना होगा। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा, महिलाओं ने कहा नहीं नहीं साहब इससे समाज पर बुरा असर पड़ता है, ठीक है, आर्थिक स्थिति खराब होती है क्योंकि पुरुष हमसे पैसा लेकर के चले जाते हैं। ये सारी कहानी पहले की बात थी जो कि अब हटा दिया है एनसीईआरटी ने, अपन नहीं पढ़ेंगे। चिपको आंदोलन आप लोगों ने पहले भी सुना होगा छोटे क्लासेस में, ये सामाजिक आकांक्षाएं थी। आकांक्षाओं का अर्थ क्या है, आकांक्षा का अर्थ यहाँ पर है कि हमारी इच्छा है, हमारी डिज़ायर्स हैं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। हम समाज में रहते हैं तो हमारी कुछ इच्छाएं हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब जो ये चैप्टर है वो है हमारी क्षेत्रीय आकांक्षाओं का, कि एक क्षेत्र के नाते पर, ठीक है, एक क्षेत्र के नाते पे, भाई मैं इस गुजरात में रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं दक्षिण भारत में रहता हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट में रहता हूँ, मैं इस एरिया में रहता हूँ, एरिया के आधार पर हमारी कुछ आकांक्षाएं, कुछ इच्छाएं हैं, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ये 1980 से 90 का दौर है, टाइम पीरियड है, मैं ऐसा मानता हूँ, किताबों को मैं अगर बांटना चाहूँ तो इस आधार पर। तीसरा जो दौर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1990 के बाद की राजनीति, 1990 के बाद। इस 1990 के बाद की जो राजनीति है उसमें अब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जो कि आपका अगला चैप्टर होगा और जो इस किताब का आखिरी चैप्टर होगा। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हम बात करेंगे बेटा मंडल आयोग की। मंडल आयोग, मंडल आयोग किस चीज से जुड़ा हुआ है, मंडल आयोग जुड़ा हुआ है ओबीसी के रिजर्वेशन से, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से। ये हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि जो जनता दल आती है वो मंडल आयोग की सिफारिश करती है, मंडल आयोग बनाती है, मंडल आयोग क्या रिपोर्ट सौंपती है, वो सब आप इस नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। फिर इसमें हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन की, कि बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, ठीक है, हम इसमें बाबरी मस्जिद की हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। और इसमें फिर हम बात करेंगे राजनीतिक अस्थिरता, या हम कह सकते हैं गठबंधन सरकारों की, गठबंधन सरकारों की। ये जो पूरा चार्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का नहीं है,
ये हम कह सकते हैं कि जो पूरी किताब हम लोगों ने पढ़ी है पहले चैप्टर से लेके फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू द टिल द लास्ट 8th चैप्टर, ठीक है, उस तक का मैंने एक आपको पूरा समराइज बता दिया कि हम लोगों ने एग्जैक्टली पढ़ा क्या है। हमने 3 चुनौतियां, विदेशी संबंध, राजनेताओं के बारे में, लोकतांत्रिक संकट, सामाजिक आकांक्षा, क्षेत्रीय आकांक्षा, जो कि हम लोग पढ़ लेंगे, और उसके बाद 1990 के बाद क्या राजनीति होती है भारत में उसकी चर्चा, जिसमें 3 बड़े मुद्दे हैं, मंडल आयोग, बाबरी मस्जिद और गठबंधन की सरकार है। ये सब कुछ हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना होगा। तो अब आज जो इस पूरे चैप्टर में हमारा जो फोकस होगा वो किस पर होगा, वो इस पर होगा, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की हम लोग बात करेंगे, रीजनल एस्पिरेशंस की हम लोग बात करेंगे। यहां तक का हमने पढ़ लिया, ये एनसीईआरटी ने हटा दिया, ये आगे है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, भूतकाल, ये हमारा भविष्यकाल, ये वर्तमान है। तो बच्चों वर्तमान पर आ जाओ, वर्तमान पर फोकस करो, सपनों में मत खोए रहा करो सारे दिन, ठीक है ना, वर्तमान पर फोकस करो। चलिए अब चैप्टर का नाम रखा गया क्षेत्रीय आकांक्षा या रीजनल एस्पिरेशंस। देखिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं या रीजनल एस्पिरेशन का मतलब क्या, आकांक्षा का मतलब क्या होता है, आकांक्षा इच्छा है हमारी, डिजायर्स है, ठीक है। आपकी भी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, बहुत सारी आकांक्षाएं होंगी, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये वो, हमारी बहुत सारी आकांक्षा है। अब इसी प्रकार से जो लोग क्षेत्र में रहते हैं, एरिया वाइज है, उनकी कुछ एरिया वाइज पर क्या है, उनकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं कि साहब हमारे एरिया में ऐसा होना चाहिए, हमारे एरिया में ऐसा होना चाहिए, हमारे एरिया में ऐसा होना चाहिए। अब आप एक चीज को समझिए कि जब हम भारत की बात करते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया 2 चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है पूरे विश्व में, किसके लिए, मसालों के लिए नहीं, मसाले तो एक अलग बात है, उसके लिए तो हमेशा से रहा ही है, और मसालों की मैं फिर लोगों ने बातें लगाना भी शुरू कर दी। एक है एकता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिटी, और एक है बेटा विविधता। अगर ये आपने अच्छे से आज समझ लिया ना, तो मतलब समझ लेना आपको पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। एकता का मतलब है यूनिटी, ठीक है, हमें यूनिटी है, एकता है, और विविधता का मतलब क्या होता है बेटा, डाइवर्सिटी होता है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, हम विविध हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे पास भाषा बोलने वाले एक भाषा के लोग नहीं, अनेकों भाषा बोलने वाले लोग हैं, हमारे पास एक धर्म के लोग नहीं है, अनेकों धर्म रहने वाले लोग हैं, हमारे पास एक संस्कृति, एक कल्चर नहीं है एरिया के हिसाब से, बहुत सारे हैं। आप गुजरात में जाओगे, वहाँ का खाना पीना, रहन सहन वहाँ के अलग है, महाराष्ट्र के अलग है, दक्षिण भारत के अलग है, ठीक है, उत्तर भारत के अलग है, पूर्व जो भारत है, पूर्व उत्तर भारत है उसकी अलग है। तो आपको बहुत ज़्यादा जो डाइवर्सिटीज है, जो बहुत सारी वेराइटीज है, वो हम लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या है, एकता और विविधता। अब ये जो विविधता यहाँ पर जो क्षेत्र के आधार पर है, जो एरिया के आधार पर है, जो एरिया के आधार पर विविधता है कि साहब हम गुजरात में रहते हैं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम दक्षिण भारत में रहते हैं, हम पूर्व उत्तर भारत में रहते हैं, ये जो हमारे क्षेत्र के आधार पर जो हमारी विविधता है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे लोग अपने क्षेत्र की जो संस्कृति है, अपने क्षेत्र के जो कल्चर है, अपने क्षेत्र की जो भाषा है, अपने क्षेत्र का जो इतिहास है, उसको बचाने के लिए बार बार क्या है, सरकार के खिलाफ जाकर के आंदोलन करेंगे। अगर कोई केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार ऐसी गतिविधियाँ करती है जो कि उनके क्षेत्र की उस विविधता, उस संस्कृति के खिलाफ होती है, तो फिर ये लोग धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू करते हैं। यहां पर क्षेत्र की विविधताओं का मतलब क्या होगा कि अपना नेता खुद चुन सके, इनका लीडर ये लोग खुद चुन सके। इसके अलावा इन लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी है, ये तो हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का संविधान सबको अभिव्यक्ति की आजादी देता है। भाई आपके एरिया में क्या समस्या है, ये आप अभिव्यक्त कर सको, आपका नेता कैसा हो ये आप अभिव्यक्त कर सको, आपकी जो समस्या का समाधान क्या होगा वो आप अभिव्यक्त कर सको। तो यही हम इन क्षेत्रों की जो आकांक्षा है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परंतु भारत सरकार को जो काम करना है, भारत सरकार को ये काम करना है कि इस विविधताओं और इस एकता, इन दोनों के बीच में बेटा बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाना है। अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम विविधताओं को बिल्कुल इग्नोर कर दें। अगर कोई बिल्कुल डिमांड कर रहा है हम उसकी बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो क्लास 10th में आपने श्रीलंका वाला एग्जांपल पढ़ा होगा, बहुत बुरी हालत होगी, दंगे होंगे, विभाजन की स्थिति आ जाएंगी। हम विविधताओं को भी इग्नोर नहीं कर सकते। और जब भारत में रजवाड़ों का विलय करा गया था तो भारत सरकार ने यही बात कही थी कि हम आपकी संस्कृति की, हम आपकी भाषा की, आपके क्षेत्र की, कल्चर की हम रेस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे, मतलब हम विविधताओं का सम्मान करेंगे। उसी बात को आज तक भारत की सरकारें साथ लेकर के चल रही है, उस बात को मान करके चल रही है कि अब हम विविधताओं का सम्मान करना है। तो भारत सरकार को विविधताओं को नकारना नहीं है कि अच्छा विरोध करें, दबा दो विरोध का, दमन करो उनकी विविधताओं को, आवाज नहीं, हमने ये सोच लिया यही करना है, तो नहीं, विविधताओं को दबाना नहीं, विविधताओं को स्वीकार करना है, विविधताओं को अपनाना है। परंतु उसके साथ साथ देश की एकता, देश की अखंडता भी बनी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि विविधताओं के चक्कर में कहीं ना कहीं देश टूट जाए,
देश खंड खंड हो जाए, नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि देश की एकता के चक्कर में आप विविधता को ही भूल जाओ। जैसा कि अगर आप देखेंगे कि जब हम समकालीन विश्व राजनीति की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर सोवियत संघ है, तो सोवियत संघ क्या करता है, रूस ही रूस का डेवलपमेंट होता जाता है, और रूस ही रूस का डेवलपमेंट के विकास के चक्कर में क्या है, वो बाकी जितनी भी विविधताएं होती है वहां की भाषा बोलने वाले लोग हैं और है, उनका दमन करता है, उनका शोषण करता है। किस लिए, कि नहीं को ये लोग क्या करेंगे, इनकी भाषा को, इनकी संस्कृति को हमने बढ़ावा दे दिया तो ये कल को मजबूत होंगे और हमारे खिलाफ आंदोलन करेंगे। इसलिए करो, क्या करो, दबाओ उनको, उनका शोषण करो, उन पर अत्याचार करो, उनको दमन करने की कोशिश करी। हुआ क्या, सोवियत संघ टूट गया, सोवियत संघ डिस्ट्रॉय हो गया, सोवियत संघ डिसइंटीग्रेट हो गया। तो विविधताओं को दबाना नहीं है, विविधताओं को स्वीकार करना है, परंतु उन विविधताओं के स्वीकार के साथ हमें देश की एकता भी बनाए रखनी है। मतलब सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। एकता ही एकता के चक्कर में आप विविधता को अस्वीकार ना कर दे जैसे कि सोवियत संघ ने करा, और विविधता ही विविधताओं के चक्कर में आप एकता को भूल जाओ, ऐसा भी नहीं है। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और ये बैलेंस आज तक भारत की सरकारों ने बखूबी बना करके रखा। ये बात आपको इस चैप्टर में बड़े अच्छे समझ में आ जाएगी। और भारत को परिभाषित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी एक बढ़िया लाइन कहा करते थे, कहते थे कि भारत को परिभाषित करना हो तो हम कहते हैं कि विविधताओं में एकता, विविधताओं में एकता। विविधताओं में एकता का अर्थ क्या है, कि हम विविध हैं, हम अनेक हैं, हम अलग अलग हैं, पर फिर भी हम एक हैं। हम एक कैसे हैं भाई, आज ये पूरा एक इंडिया है, ये पूरा आज एक इंडिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये पूरा एक भारत है, पूरा यूनाइटेड है, हम पूरे एक हैं। परंतु इसके अंदर गुजरात के लोगों का कल्चर अलग है, महाराष्ट्र के लोगों का अलग है, दक्षिण भारत के लोगों का अलग है, उत्तर भारत के लोगों का अलग है, इधर के लोगों का अलग है। यहाँ के लोग कोई सी भाषा बोलते हैं, यहाँ के कोई सी, यहाँ के कोई सी, यहाँ के कोई सी, कितने ही अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग विचारों को मानने वाले लोग हैं। तो हम विविध हैं, हम अनेक हैं, परंतु हम लोग एक भी हैं। हम विविधताओं में एकता है, हमने विविधताओं को स्वीकार करा है, विविधताओं को खत्म नहीं करा, तो विविध होने के बावजूद भी हम एक हैं। अब इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के साथ समझाता हूँ। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सबको अपने विचार रखने की पूरी आज़ादी होती है। काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है, वो मानते हैं कि ईश्वर नहीं होते, भगवान नहीं होते, वो उनका एक कॉन्सेप्ट है, पर मेरा मानना है ईश्वर है। और जैसे भारत में संत महात्माओं ने कहा है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, ठीक है, ईश्वर यहाँ भी ईश्वर है, मुझ में भी ईश्वर है, आप में भी ईश्वर है, सब में ईश्वर है, ठीक है। मतलब क्या है, ईश्वर अनेकों जगह फैला हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर फैला हुआ, पूरे सारी जगह ईश्वर फैला हुआ है, मुझ में भी है, आप में भी है, इस कण में भी है, घड़ी में भी है, पेन में भी है, हर जगह ईश्वर फैला हुआ है। ये क्या है, विविधता है, अनेकता है ईश्वर की, अनेकता है ईश्वर की, परंतु वो है तो एक ही ना, वो है तो एक ही ना भाई। आज हम उनको किसी भी नाम से पूजे, हम किसी भी नाम से उनकी वर्शिप करें, है तो एक ही ना। तो ये क्या है कि वो विविध होने के बावजूद भी एक है। तो यही बात यहाँ पर दर्शाई गई है कि भैया हम अलग अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारी संस्कृति अलग हो सकती है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, पर हम सब क्या हैं, हम एक हैं। तो ये विविधताओं में एकता का जो कॉन्सेप्ट है ना, यही पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार करवाता है। भारत पूरी दुनिया को मिसाल देता है कि विविधताओं का दमन करना, विविधताओं का शोषण करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। विविधताओं को अपनाना और उस अपनाने के साथ साथ एकता का बनाए रखना, यही सही काम है। तो विविधताओं में एकता का जो मिसाल है, विविधताओं में एकता का जो नारा है, वो भारत यहाँ पर देता है। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अब एक चीज और समझिए कि हमारी जो पहचान है, हमारी जो आइडेंटिटीज है, वो एक तो नहीं है भाई। आपकी और मेरी जो आइडेंटिटी है वो एक तो नहीं है, हमारी पहचान एक तो नहीं है। जैसे कि भैया आज आपकी एक पहचान धर्म के आधार पर है कि भैया मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं पारसी हूँ, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, हमारी एक पहचान धर्म के आधार पर होती है। फिर हमारी एक पहचान किस आधार पर होती है, जाति के आधार पर होती है, कास्ट के आधार पर होती है, मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, मैं इस जाति का हूँ। उसके अलावा हमारी पहचान लिंग के आधार पर भी होती है, मैं पुरुष, मैं महिला, मैं लड़का, मैं लड़की, इस आधार पर भी होती है। हमारी पहचान भाषा के आधार पर भी हो सकती है, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं मलयालम बोलता हूँ, मैं कन्नड़ बोलता हूँ, ठीक है, मैं तेलुगु बोलता हूँ, भाषा के आधार पर भी हो सकती है। इसके अलावा मेरी पहचान शिक्षा के आधार पर भी है कि साहब मैंने ये शिक्षा ग्रहण करी है, ठीक है, मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करा है, मैंने फिजिक्स में मास्टर्स करा है, तो ये क्या है, मेरी शिक्षा वाली एक पहचान हो गई। इसके अलावा हमारी और क्या पहचान हो सकती है, क्षेत्र के आधार पर पहचान हो सकती है, एरिया की, जैसे कि जो कि हमें इस पूरे चैप्टर में डिस्कस ही करना है। इसके अलावा हमारी पहचान व्यवसाय के आधार पर भी हो सकती है, जो हम लोग काम करते हैं, भाई आज मैं टीचर हूँ तो
तो मेरी टीचर वाली पहचान है, आप कलेक्टर बनेंगे तो आपकी कलेक्टर वाली पहचान बन जाएगी। मतलब हमारी अनेकों पहचान है, हमारी एक पहचान नहीं है, पर हम व्यक्ति एक ही हैं। भाई आज मेरी पहचान धर्म के नाम पर भी है, मेरी पहचान जाति के नाम पर भी है, मेरी लिंग के आधार पर, भाषा, शिक्षा, क्षेत्र, व्यवसाय, हर आधार पर मेरी एक पहचान है और सबकी होती है, आपकी भी है, मेरी भी है। और इन पहचानों पर गर्व करना, इन पहचानों पर आगे बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने धर्म, जाति, लिंग, भाषा, शिक्षा, क्षेत्र, व्यवसाय, आप इन पर गर्व करते हैं, साहब मेरा क्षेत्र, मेरी भाषा, मेरा ये, मेरा, कोई बुरी बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ हद तक ये सारी जितनी भी आपकी पहचान है, जितनी भी आपकी आइडेंटिटीज हैं बेटा, ये सारी पहचान, ये सारी आइडेंटिटीज एक पहचान से नीचे रहनी चाहिए और वो है नेशनल आइडेंटिटी, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय। हम, हमारी जो पहचान है वो एक होनी चाहिए, भारतीय। आप अपने एरिया पे गर्व करते हैं कोई बात नहीं, परंतु हम पहले भारतीय हैं। आप अपने जाति पे, धर्म पे, भाषा पे, लिंग पे, रंग पे, किसी पे भी गर्व करिए, पर आप भारतीय हैं। जैसे कि बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। ये जो पहचान है ना, ये हमारी सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो ये जो भारतीय की जो पहचान है, यही तो क्या है, यही तो एकता है, यही तो क्या है, एकता है। और ये क्या है, विविधता है। इन विविधता होने के बावजूद भी हम सब क्या है, एक है, हम सब क्या है, यूनाइटेड। तो ये विविधताओं में एकता का जो नारा है, ये विविधताओं में जो एकता की मिसाल है, ये भारत ही दे सकता है पूरी दुनिया में। तो अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्षेत्र के आधार पर जो विविधता हम लोगों को देखने को मिल रही है, वहां की संस्कृति में जो देखने को मिल रही है, और उन संस्कृति के आधार पर लोगों की जो आकांक्षा है, आकांक्षाएं किससे हैं, सरकार से है कि सरकार हमारी इच्छाओं को पूरा करे, आकांक्षाएं किससे हैं, देश से है, राष्ट्र से है, लोगों से है कि हमारी इच्छाओं को पूरा किया जाए। तो अब हम इन्हीं क्षेत्र के बारे में, इसी रीजनल एस्पिरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्षेत्र और राष्ट्र, 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है। अब स्वायत्तता का अर्थ क्या होता है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी या स्वायत्तता का जो सीधा सा अर्थ है बच्चों, वो ये है कि एक तरीके से फ्रीडम, हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम किस चीज की होनी चाहिए, फ्रीडम मैं अपने जीवन को, अपने एरिया को, अपने क्षेत्र को, अपनी संस्था को अपने हिसाब से रन कर सकूं, चला सकूं, कंट्रोल कर सकूं। मतलब एक तरीके से किसी भी चीज पर कंट्रोल की जो आजादी है, उसको स्वायत्तता या ऑटोनॉमी कहा जाता है। तो यहाँ पे स्वायत्तता का मांग का ये दशक है कि भैया हमारे क्षेत्र पे हमारा जो कंट्रोल है वो ज्यादा बढ़ना चाहिए, मतलब राज्य सरकारों की शक्तियां ज्यादा बढ़नी चाहिए, ठीक है। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार थोड़े से ज्यादा प्रावधान करे, ठीक है। तो ये 1980 का जो दशक है, अब 80 के दशक का मतलब है 80 से 90 तक का जो दौर है, ये स्वायत्तता की मांग के दशक है, ठीक है। ये ऑटोनॉमी का टाइम चल रहा है कि नहीं नहीं साहब, हमारे जो एरिया है, इस एरिया में सरकार हमें ज्यादा छूट दे, हमें ज्यादा फ्री करे, यहां के लोगों के पास ज्यादा पावर हो, सरकार, केंद्र सरकार के पास नहीं। तो स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है। इस दौर में देश के कई हिस्सों से स्वायत्तता की मांग उठी और इसने संवैधानिक हदों को भी पार कर दिया। तो अब इस देश में क्या कर रहे हैं कि स्वायत्तता की जो मांग है, उस मांग को आप लोगों को क्या करना होगा, समझना होगा। तो स्वायत्तता की मांग उठी और संवैधानिक जो हदें हैं उनको पार करा। अब देखिए, अब एक बार वापस पीछे आ जाइए। अब ये मैंने आपको क्यों समझाया कि भाई आपकी जो भी पहचान, वो सारी पहचानों पे आप गर्व करिए, सब कुछ करिए, पर इस पहचान से जो है ऊपर कोई सी पहचान नहीं जानी चाहिए। आप अपनी सारी पहचानों को छोड़ दीजिए जब बात राष्ट्र की आ रही हो, जब बात देश की आ रही हो। अब देश को जो चलाने का जो एक कानून है वो क्या है, देश का संविधान है। मतलब संविधान के दायरे में सारे काम होने चाहिए, परंतु यहाँ पर जो स्वायत्तता की जो मांगे उठ रही हैं वो संविधान की जो बाउंड्री से उनको भी क्रॉस करके जा रही है। मतलब लोगों को राष्ट्र की एकता से ज्यादा अपनी जो पहचान है, उस पहचान पे ज्यादा गर्व था और उस पहचान को आगे ले जाने का काम वो लोग कर रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत होगा। इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में हथियार उठाए, सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की और इस क्रम में राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। अब देखिए, इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी मांग के लिए क्या करे, हथियार उठाए, ठीक है, कि भाई हम जो जब विरोध कर रहे हैं तो हथियार उठा करके विरोध करे, इसे यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, हथियार उठा रखे हैं लोगों ने, उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई, ठीक है। और फिर सरकार ने, जब लोगों ने हथियार उठाया तो सरकार उनको दबाएगी तो सही, क्योंकि भारत का संविधान आपको आंदोलन करने की आज़ादी देता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हथियार लेकर के सड़कों पर चलो, नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से संगठन बनाने की, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की, मीटिंग करने की और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की आपको आज़ादी है, हथियारों की आज़ादी नहीं देता। मतलब आप गलत कर रहे हो तो सरकार आपके काउंटर अटैक करेगी। इन सब में क्या हुआ, राजनीतिक और जो चुनावी प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो गई, चुनाव में देरी, ये सब कुछ चलता रहा।
आश्चर्य नहीं कि स्वायत्तता की मांग को लेकर चले अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे और इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार को सुलह की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा अथवा स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूह से समझौते करने पड़े। अब आश्चर्य की नहीं कि स्वायत्तता की मांग को जो लेकर है वो अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक चलते जारी रहे, ठीक है। तो अब देखिए, स्वायत्तता की मांग है, जब एक एरिया सरकार से ज़्यादा पावर मांगने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे आंदोलन जल्दी से तो खत्म होंगे नहीं। ऐसा है नहीं केंद्र सरकार वेट ही कर रही थी, अच्छा आ गया आप लोग, लो 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 पावर ले जाओ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ले जाओ, आंदोलन करने की क्या जरूरत थी, बता देते हम वैसे दे देते, नहीं ऐसा तो है नहीं। तो थोड़ा सा चलता है, ये बड़े आंदोलन है, संघर्ष जो है वो बड़ा चलता है, परंतु फिर भी फाइनली जो केंद्र सरकार को क्या रास्ता अपनाना पड़ा, बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ा, ठीक है। अगर सुलह करनी है, शांति करनी है, समझौता करना है तो बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ा, और बात से ही बात बनती है तो सरकार ने उन समूहों से समझौता करना पड़ा जो समूह इन आंदोलनों की अगुवाई कर रहे थे, इन आंदोलनों के लीडर बनकर के बैठे थे। बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सका, तो बात की लंबी प्रक्रिया चलती थी, बिल्कुल सरकार अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स रखती थी और जो वो समूह है, वो ग्रुप है, वो अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स रखता था कि नहीं नहीं साहब ये जो पॉइंट है ये सरकार का गलत है, हम इसको नहीं मानेंगे, नहीं नहीं सरकार कहती नहीं हम इस बात को पूरी तरीके से नहीं मान सकते, फिर दोनों के बीच में क्या है समझौता चला करता था। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया है कि भैया मीटिंग सी चल रही है, ठीक है, कि दोनों जो ग्रुप है वो बैठ करके मीटिंग करते हैं और फिर एक जो सही जो मध्यस्थ रास्ता होता है उसको निकाल लेते हैं। बातचीत का लक्ष्य यह रखा गया कि विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में रहकर निपटा लिया जाए। अब बातचीत का जो लक्ष्य है वो यही है कि जो भी मामला हो, जो भी सॉल्यूशन निकले, उसको संविधान के दायरे में रहकर के निपटा लो, संविधान से किसी चीज को बाहर मत जाने दो, संविधान के दायरे में, संविधान जिन चीजों की, जिन बातों की आजादी आपको देता है उन बातों को आप मानिए, उनके हिसाब से आप काम करिए, संविधान के बाहर जाकर के काम करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप देश की एकता, देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाए, आप देश के संविधान की जो मूलभूत जो बातें हैं उनको नुकसान पहुंचाए, ऐसा नहीं। जो भी काम हो संविधान के दायरे के अंदर अंदर काम होना चाहिए। तो इन बातचीत का यही समझौता कोशिश करी गई कि जो भी बातचीत हो उसमें जो आधार हो वो संविधान, और संविधान से बाहर जाकर के कोई भी काम नहीं होना चाहिए। बहरहाल समझौते तक पहुंचने की यह यात्रा बड़ी दुर्गम रही और इसमें जब तब हिंसा के स्वर उभरे। अब देखिए ये जो समझौता की जो है ये बड़ी दुर्गम रही, ठीक है, ऐसे आसानी से समझौता नहीं हुआ, लंबे समय तक ये बातचीतें चलती रहीं और कभी कभार इनमें बीच में क्या हुआ, हिंसा के स्वर भी उठे, मतलब हिंसा भी हुई। मतलब हमें हमारे इतिहास को हमें समझना चाहिए, हमें हमारे महापुरुषों को हमें समझना चाहिए। ये देश गांधी का देश है, ये देश महात्मा बुद्ध का देश है, जहाँ पर हिंसा नहीं अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। और जैसे आपने मुझे स्टार्टिंग से सुना होगा कि मैंने बहुत सी बार कहा है कि भारत की सरकारों ने बहुत काम करा है। जो लोग कहते हैं सरकार खूब पैसा खाती है, भ्रष्ट है सरकार है भारत की, ये फालतू बातें हैं। भारत की सरकारों ने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भ्रष्ट नहीं है, करा होगा भ्रष्टाचार, ऐसी बात नहीं है, परंतु काम बहुत करा है। आप सोचिए इन स्थितियों के बारे में आप पढ़ रहे हैं ना, ऐसी स्थितियाँ दूसरे देशों में हो जाती है ना तो दूसरे देशों के विखंडन हो गए, दूसरे देशों ने विविधताओं को पनपने नहीं दिया, परंतु किसी भी विचारधारा की पार्टियां बैठी हों सरकार में, परंतु उन्होंने हर विचारधारा को सुना है और उसके हिसाब से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करी है। जिद पर अड़ करके एक अपनी विचारधारा की बिल्कुल पकड़ के, नहीं साहब हम तो ऐसा ही करेंगे, ऐसा किसी भी सरकार ने किसी पार्टी ने नहीं करा है। हिंसा को रोकने का पूरा पूरा प्रयास पार्टियों ने करा है। भारत सरकार का नजरिया, ठीक है, तो अब जो ये हम लोगों को इस प्रकार से हिंसा देखने को मिली और जो लोगों की जो मांगे चल रही हैं उसको लेकर के भारत सरकार का क्या नजरिया रहता है वो देखते हैं। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हुए विविधता के एक बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारी नजरों से बार बार गुजरी है। भारत में विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूह को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। तो अभी तक जितने भी आपने इस किताब को पढ़ा है, आपने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में पढ़ा, आपने भारत के संविधान के बारे में पढ़ा, जितना कुछ भी आपने पढ़ा है अभी तक आपको बार बार में एक बात नजर आई होगी कि जितने विभिन्न क्षेत्र के जो लोग हैं, विभिन्न भाषाएं समूह के जो लोग हैं, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न वर्गों के जो लोग हैं, उनको अपनी संस्कृति बनाए रखने का पूरा पूरा अधिकार है, उनको अपना पूरा कल्चर बनाए रखने का अधिकार है। इसीलिए भारत का संविधान का जो है सांस्कृतिक, जो हमारा पाँचों जो मौलिक अधिकार है, सांस्कृतिक को शैक्षणिक अधिकार भी दिया गया है कि भाई आप अपनी संस्कृति को बनाए रख सके, आप अपने कल्चर को बनाए रख सके। और जब रजवाड़ों को में विलय करा गया था तब भी ये बात कही गई थी भारत सरकार द्वारा कि भाई आपकी संस्कृति को बचाए रखा जाएगा, आपकी संस्कृति पे कोई आज हम लोग नहीं आने देंगे। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि भारत की सरकार हमेशा विविधताओं का सम्मान करती हुई है, हर वर्ग के लोगों की संस्कृति को बचाने का काम सरकार करती है।
हमने एकता की भावधारा से बंधे एक ऐसे सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया था जिसमें इस समाज को आकार देने वाले तमाम संस्कृति की विशेषता बनी रही। तो हमने एकता की भावधारा से बंधे एक सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया था जिसमें समाज को आकार देने वाले तमाम संस्कृति की विशेषता बनी रहे। तो मतलब हम एक ऐसा समाज चाहते थे जहां पर क्या हो, जो समाज की अलग अलग जो विशेषता है वो सारी बनी रहे, सभी विभिन्नताएं सभी विविधता है वो बनी रहे, एक विविधता का नहीं सभी अनेक विविधताओं से हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। जैसे यहाँ पे भारत, ठीक है ना, हम इंडिया, ठीक है, इंडियंस हैं हम लोग, फिर हमारी कास्ट, हमारा रिलीजन, हमारा एरिया आ जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। भारत के राष्ट्रवाद का अर्थ ही यह है कि हमारी एकता भी बनी रहे और हमारी विविधता भी बनी रहे। यही बात अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि भारत सरकार को एकता और विविधता के बीच में संतुलन बनाना पड़ता है। ऐसा ना हो कि एकता ही एकता के चक्कर में विविधताओं को हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर दें, लोगों का शोषण करें, दमन करें, अत्याचार करें, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी ना हो कि विविधताओं को बचाने के चक्कर में एक जो देश की एकता है वो टूट जाए, ऐसा नहीं। दोनों के बीच में संतुलन बनाने का काम करा जाता है। राष्ट्र का मतलब यह नहीं कि क्षेत्र को नकार दिया जाए, ठीक है। अब राष्ट्र का मतलब यह नहीं है भाई आप देश देश की बात करो, नहीं साहब हमारे देश की एकता, हमारे देश की एकता, उसके चक्कर में आप क्षेत्र को नकार दें, आप एरिया को नकार दें, ऐसा नहीं है। वहां की जो मुद्दे हैं वो भी ध्यान में रहने चाहिए। इस अर्थ में भारत का नजरिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा है जहां सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र की एकता के खतरे के रूप में देखा गया है। अगर आप यूरोप के देशों की बात करेंगे तो उन्होंने क्या है, सांस्कृतिक जो विविधता है उसको देश के खतरे के रूप में देखा है कि साहब ये जो विभिन्नता है या जो विविधता है ये देश के लिए क्या है, खतरा है, ये डेंजर है। अगर ये ज्यादा रहेंगी तो क्या होंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे और फिर देश टूट जाएगा। परंतु भारत ने ऐसा नहीं सोचा, भारत ने सोचा जितनी ज्यादा विविधता है अच्छी बात है, ये तो हमारी ताकत है, ये तो हमारी पावर है। मतलब पूरा भारत एक इंद्रधनुष की तरह होगा जिसमें सारे रंग होंगे, मतलब सारी विविधताएं, सारी भाषा, सारे धर्म, सारे वर्गों को मानने वाले लोग एक देश में होंगे, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। भारत ने इसको अपनी ताकत समझा और यूरोप के देशों ने क्या समझा, उसको अपनी कमजोरी समझा। नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, देश टूट जाएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट और उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। मतलब हम कह सकते हैं हम इंडिया वाले पूरे वेस्टर्न से बिल्कुल अलग है। हमारा कल्चर सबसे बेहतरीन कल्चर में से एक है, हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन, हमारी बोली चाली, हमारा सब कुछ उनसे बहुत बेहतर है, ठीक है। पर फिर भी वो ज्ञान देते हैं। बताओ भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया, तो भारत ने विविधता को लेकर के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है और लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्रीय विरोधी नहीं मानता। मतलब जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जो रीजनल एस्पिरेशंस है, उनको अभिव्यक्ति की अनुमति है। मतलब आपका नेता कौन होगा, आपकी क्या समस्या है, उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, इन सब की अभिव्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि देश की एकता के नाम ही नाम पर आप अपनी जो अपने क्षेत्र की समस्याएं उनको भूल जाए, नहीं, उनको अभिव्यक्त करने की पूरी पूरी छूट भारत का संविधान और भारत की सरकार ने दिया। भारत ने हमेशा कैसा दृष्टिकोण अपनाया, लोकतांत्रिक अपनाया। और जो क्षेत्रीयता है, जो हमारा रीजन है, ठीक है, और उसके प्रति जो हमारा प्रेम है वो राष्ट्र विरोधी नहीं है, वो देश के खिलाफ नहीं है। पर बस हमें एक बात ध्यान रखनी है कि भैया जितनी भी हमारी पहचान है वो सारी पहचान राष्ट्र की पहचान से नीचे रहनी चाहिए। जब बात देश की आ जाए ना तो हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए, तब फिर हमें ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, तब तक सेफ जोन में है, तब कोई दिक्कत नहीं। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा अथवा किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करें। अब देखिए, अब क्या क्या है इसमें, विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, ठीक है, जो अलग अलग जो क्षेत्र की पहचान है वो, उनकी आकांक्षा, उनकी जो इच्छा है वो, वहाँ की जो समस्या है वो, इन सब की जो भावना है इनकी क्या कर सके, नुमाइंदगी कर सके। मतलब वो बातें सरकार के सामने उठा सके, सरकार को बता सके और सरकार से उन चीज़ों की डिमांड कर सके। इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और बलवती होती रही। तो इसलिए क्या है, लोकतांत्रिक राजनीति में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और भी बढ़ती गई, क्योंकि उनको बिल्कुल अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई। दबाना या खत्म करना किसी समस्या का समाधान नहीं है, उसको बिल्कुल स्वीकार करना और स्वीकार करके उसका सामना करना ही सही है। साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का एक अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और उन्हें इसमें भागीदारी दी जाएगी। तो लोकतांत्रिक राजनीति का एक अर्थ यह भी है कि जितने भी जो क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे, जो वहाँ के जो इश्यूज़ हैं, जो वहाँ के लोकल इशूज़ हैं, उनके नीति निर्माण प्रक्रिया पर समुचित ध्यान दिया जाएगा, पूरा ध्यान दिया जाएगा। देखिए, अब आप एक बात देखिएगा, 1962 में जब चाइना से लड़ाई हुई, उसके बाद नेहरू जी ने क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, ठीक है, कुछ एरियाज को स्टेट घोषित कर दिया, राज्य घोषित कर दिया, थोड़ी सी और पावर दी, थोड़ी सी और ऑटोनॉमी दी, वहाँ पर डेवलपमेंट के जो काम है वो और बढ़ाए। क्यों? क्योंकि कल को उनको ऐसा महसूस ना हो कि नहीं साहब हम तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, तो वहाँ पर खूब विकास के कार्यक्रम चलाए सरकार ने और भी खूब सरकार ने मेहनत करवाई, ठीक है। तो नीति निर्माण मतलब वहाँ का भी विकास हो, वहाँ के जो मुद्दे हैं वो भी सोल्व हो, नीति निर्माण की प्रक्रिया
में पूरा पूरा ध्यान दिया जाए। आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि जैसे आज हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया, इनमें बैठना आम आदमी के बस की बात नहीं है, थोड़ा सा महंगा होता है। परंतु नॉर्थ ईस्ट में सरकार ने बहुत सस्ते में सरकार प्रोवाइड करा रही है। पवन हंस हेलीकॉप्टर होता है तो क्यों, क्योंकि वहाँ पे रेलवेज अच्छे से नहीं चल पाती, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ठीक है, वहाँ पे बसें नहीं चल पाती हैं, तो वहाँ हेलीकॉप्टर का यूज़ करा जाता है। क्यों, अब वो क्यों, क्योंकि वहाँ की समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए। अक्कल को नहीं, नहीं साहब हेलीकॉप्टर से कैसे, तुम्हें फ्री में क्यों देते हैं हेलीकॉप्टर, तुम्हें कम दाम पे हेलीकॉप्टर चलाएंगे, पागल हो रहे हो। अरे तो भाई बाकी सबके पास ट्रेनें चल रही हैं, बस गाड़ियाँ चल रही हैं, हमारे ये नहीं चलती है, तो इस तरह चला जाए। तो सरकार ने सुनी वो बात और उस पर ध्यान दिया, तो समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था में कभी कभी तनाव या परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि ऐसी चीज़ें कभी कभी हिंसा का रूप ले लेती है, थोड़ा सा तनाव यहाँ पर आ जाता है, स्ट्रेस जो हम कहते हैं ना वो आ जाता है, परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं और जरूरतों पर भारी पड़े। तो कभी कभार हम राष्ट्रीय एकता के बारे में इतना सोच लें जो कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उसकी जो जरूरतें हैं उन पर भारी पड़ जाए, मतलब क्षेत्रीय आकांक्षाओं को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाए, उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्षेत्रीय सरोकार के कारण राष्ट्र की वृत्त आवश्यकताओं से आंखें मूंद ले। और कभी कभार ये हो सकता है कि एक क्षेत्र के विकास या उसकी बात को मानने के चक्कर में क्या है, जो राष्ट्र की जो आवश्यकता है उन सभी बातों को लेकर के आंख बंद कर ली जाए, आंखें मूंद ली जाए। कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राष्ट्र की को ज़्यादा महत्व दिया क्षेत्र की तुलना में, और यहाँ पर क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया राष्ट्र की तुलना में। जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो, साथ ही राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, वहां क्षेत्रों की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है। देखिए आप इस चीज को समझिएगा कि समस्याएं भी वहीं होती है जहां पर थोड़ा अवसर दिया जाता है, ठीक है। आज आप पढ़ेंगे, आप किताब खोलेंगे तभी तो डाउट आएगा, बिना किताब खोले तो डाउट आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि आपने प्रयास करा चीजों को समझने का, प्रयास करा, आपने मौका दिया खुद को जानने का कि हाँ साहब मैं जानूं तो सही पॉलिटिकल साइंस के, आपने पढ़ा फिर समस्या आई, बिना पढ़े तो किसी को कोई समस्या है ही नहीं। जैसे कंपटीशन का जो बच्चे एग्जाम देते हैं ना, वो बच्चे जो बिना पढ़े जाता ना, वो अरे भाई यार 100 में से 80 करके आ गया भाई, थोड़ा सा पढ़ लेता ना कसम से थोड़ा सा नंबर आ जाता, पर अब उसको ये नहीं पता भाई तू बिना पढ़ करके गया था, कोई प्रेशर ही नहीं था, पर जो पढ़ करके जाता तो नहीं यार गलत कर दिया तो नंबर कट जाएंगे, ये वाला सही है या गलत है। तो थोड़ा सा क्या है, जो व्यक्ति पढ़ता है फिर उसी को डाउट आता है, बिना पढ़े तो डाउट नहीं आ सकता। उसी प्रकार से जब हमने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने की आज़ादी दी है, अब आज़ादी दी है, तो थोड़ी बहुत वहाँ पर तनाव होना आम बात है। थोड़ी मतलब ये जो तनाव है वो भी कहीं ना कहीं इस बात की हमें दर्शा रहा है कि भैया यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र में छूट है, यहाँ पर क्षेत्रीय आकांक्षाओं की जो अभिव्यक्ति है उसको स्वीकार करा गया है। तो वहाँ क्षेत्रों की ताकत, जो उस एरिया की जो पावर है, उसको वहाँ के अधिकारों को और उसके अस्तित्व के मामले को लेकर के राजनीतिक जो संघर्ष है, जो पॉलिटिकल जो संघर्ष है, वो होना एक आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मैं पहले के लेक्चर्स में भी कहता हूँ कि अगर घर में भी 5-10 लोग एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली आजकल नहीं रह पाती है घरों में, क्योंकि अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं, फिर उनमें ही झगड़ा हो जाता है। तो इतना बड़ा देश है जिसमें अलग अलग विविधताओं के लोग रह रहे हैं, तो वहाँ छोटी मोटी बातें होना चलता रहता है, ये कोई बड़ी इशू नहीं है। अब बात कर लेते हैं तनाव के दायरे, तनाव था कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ टेंशन चल रही थी। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, इसी के बारे में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2, वो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पे होगा। जम्मू कश्मीर में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 370 के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 335A के बारे में, ठीक है। और इन सबको 2019 में सरकार ने हटा दिया और जम्मू कश्मीर को उससे राज्य का दर्जा छीन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चिंताएं थी, ठीक है, ये आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो पूर्व उत्तर के हैं वहाँ पर नागालैंड और मिजोरम, पहले नागालैंड और फिर मिजोरम ने अलग से अलग होने की मांग उठाई, अलग होने की डिमांड करी। हम दक्षिण भारत की बात करेंगे, दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन चला है। फिर बात करेंगे भाषाई राज्यों की मांग, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग। और फिर जैसे आपने देखा था कि जो डीएमके पार्टी है वो इस आधार पर ही सिर्फ चुनाव जीत गई थी क्योंकि उन्होंने एंटी हिंदी प्रोटेस्ट चलाया था कि भाई केंद्र सरकार 1965 के बाद हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करना चाहती थी, परंतु इन लोगों ने विरोध करा और डीएमके पार्टी तमिलनाडु में जीत जाती है। ये सब कुछ देखना। विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा रेखाओं का पूर्ण निर्धारण किया गया। अब देखो जो अंदरूनी समस्या है उनको अंदरूनी तरीके से ही सिमटा जा सकता है। तो अब सरकार ने सोचा कि अच्छा भाई भाषा के आधार पर राज्य कोई बात नहीं बना देते हैं, अपने ही सब कुछ चैप्टर 1 में पढ़ा है। तो हमने क्या करा, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और फिर कानून लेकर के आए, हमने राज्यों का गठन कर दिया कि हाँ भाई अच्छा ये गुजराती बोलने वाले लोग हैं, चलो तुम आज से इस एरिया में, तुम मराठी वाले इधर, चलो तुम तमिल वालों तुम नीचे आ जाओ, तेलुगु वालों तुम ऊपर चले जाओ, ऐसे, ठीक है। बहरहाल इन प्रयासों का मतलब यह नहीं कि हर परेशानी का हमेशा के लिए हल निकल आया, अब ऐसा नहीं था कि समस्या बिल्कुल ही खत्म हो गई हो।
कश्मीर नागालैंड जैसे कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां इतनी विकट और जटिल थी कि राष्ट्र निर्माण के पहले दौर में इनका समाधान नहीं किया जा सका। ठीक है, तो कश्मीर और नागालैंड की समस्या इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि पहले जो दौर चला, पहले स्टार्टिंग का जो टाइम चला, उसमें उस समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त पंजाब, असम और मिजोरम में नई चुनौतियाँ उभरी हैं। इन सब पर हम लोग करेंगे चर्चा आगे। आइए हम इन मामलों पर तनिक विस्तार से बात करें और इसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण के क्रम में पेश आए कुछ पुरानी कठिनाइयों और उनके उदाहरणों को याद करने की कोशिश करें। तो इन सभी पर हम जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे, हम द्रविड़ आंदोलन की भी बात करेंगे, हम बात करेंगे पंजाब की भी, हम बात करेंगे अलग अलग क्षेत्रों की, हम अलग अलग वहाँ की आकांक्षाएँ, वहाँ की इच्छाओं की, और कितनी आकांक्षाएँ सही थी, कितनी गलत थी, सरकार ने क्या फैसला लिया, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ऐसे मामलों में मिली सफलता व विफलता सिर्फ अतीत के अध्ययन के लिए एक जरूरी प्रस्थान बिंदु नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को समझने के लिए भी एक जरूरी सबक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हाँ भाई हमें सफल हुए या विफल हुए या हमारा भूतकाल को जानने के लिए, नहीं, हम हमारे भविष्य, भारत का भविष्य है, उसके बारे में जानने के लिए भी हमें पढ़ना जरूरी है। और एक बात आप हमेशा बच्चों ध्यान रखिएगा कि कोई भी घटना अगर आज हो रही है देश में, उसका लिंक कहीं ना कहीं कहाँ से है, इतिहास से है, उसकी जो हिस्ट्री है वो कहाँ से है, इतिहास में उसकी जड़ें छुपी हुई हैं। तो अगर हम आज कोई घटना होती हुई हमें दिखती है तो हमें उसका इतिहास जानना होगा। आज अगर हम कहें कि भाई आज जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए, तो उसकी पहले पूरी कहानी हमें पहले हिस्ट्री की जाननी पड़ेगी, इतिहास में जाना पड़ेगा। मतलब आज की वर्तमान की जड़ें कहाँ पर है, इतिहास में है। तो इतिहास को खंगोलना पड़ेगा और इतिहास को खंगोल करके वर्तमान सुधारा जाए, वर्तमान सुधार करके हम भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपना इतना ही, और आपको आज का ये नया लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया करो, नहीं है बहुत बहुत ज़्यादा आपके लेक्चर छूट जाएंगे, वो पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का लेक्चर कैसा लगा, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, ये भी जरूर बताइएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।